दोस्तों आज 3 दिन हो गया एजुकेशन और मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग क्या बनते हैं, बन के यहाँ आए थे और अभी क्या बन के जा रहे हैं। मैं तो बोलता हूँ कि हीरा बन के जा रहा है यहाँ से। सिबा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ जो कोई भी आएगा, कोई भी ये बिजनेस में आएगा, ये कॉन्सेप्ट में आएगा, वो जीत के रहेगा। सिर्फ उसको ये इधर यहाँ इस कंपनी में उनको जीतना ही जीतना है। सिर्फ उनको एक थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ जीतने के वक्त में आपको नो की आदत सुननी पड़ेगी। किसी को भी आप प्लान दिखाओगे 20-25 बार, मायूसी नहीं लेना है, मायूसी नहीं होना है। आप 20-25 लोग ना बोलेंगे वो हिसाब से आपको फिर बाद में आपको सक्सेस देखो कैसा मिलेगी। फिर आप टीम मैनेजर नहीं तो सीईओ बहुत कुछ पोस्ट बना सकते हैं। तो दोस्तों एक कहावत है कि अगर गरीबी सह नहीं सकते तो बेहतर अमीर बन जाओ, लेकिन उसके लिए आपको विचार की दिशा बदलनी है। जब तक आपके विचार की दिशा बदलेगी तभी आपकी दशा बदलेगी, और जब तक आप आपके विचारों में परिवर्तन नहीं करते तब तक आपके जीवन में सफलता नहीं मिलती। दोस्तों यह है जीवन। और रह गई बात ऐसी कि अगर हम लोग 6 महीने के पहले अगर हम देखेंगे हमारी लाइफस्टाइल कैसी थी और 6 महीने के बाद आज हम लोग कैसे हैं और आने वाले 6 महीने कैसे होंगे, तो यही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो आपने जो एक विषय निर्णय लिया है, जैसे कहावत है कामयाबी और नाकामी के बीच में एक ही फासला होता है, वो है आपका भीषण निर्णय। आप अपना भीषण निर्णय लेकर यहाँ आए हैं तो आपको यहाँ 100% कामयाबी होना है। और दोस्तों ये मैं आपको और एक बता रहा हूँ कि ये आप लोग का सौभाग्य है कि अच्छे अच्छे ट्रेनर्स मिले। शीतल सर है, चंद्रा सर है, विनोद शर्मा जी ने भी अच्छा बेहतरीन से प्लान बताया। बहुत से नेगेटिव क्वेश्चन आए थे, उन्होंने उनको फिल किया। फिर बाद में उदय सर है जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज रखना बोला तो एक कंपनी की ओर से जो कुछ सब सेटिंग करना मामूली बात नहीं है। हम निकले थे लेकिन हमारे पहले वो आके पहुंचे थे, ऐसे उदय सर है कैसे भी हो। और दूसरी बात है ऐसे बहुत बड़े बड़े ग्रेट अपलाइन लोग आए हैं और उनका भी अपने को मार्गदर्शन अच्छी तरह से मिल रहा है। दोस्तों बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ लेकिन आज ये वक्त हमारे पास कम है। सिर्फ मैं यही बोलूंगा कि आप लगन से, मेहनत से और दिमाग से अगर यहाँ अगर काम करोगे तो 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। और एक और एक ध्यान में रखना है कि ये कोई भी बोलेगा नेटवर्किंग मार्केटिंग है तो नेटवर्किंग मार्केटिंग नहीं है, एक एजुकेशन प्रोडक्ट है। यू आर गिविंग द एजुकेशन टू अदर्स एंड यू आर सक्सेसिंग दैट पीपल्स, बोले तो आप एक अपने माध्यम से कितना बड़ा काम कर रहे हो। और आदमी अगर आप ढूंढोगे तो आदमी मिलेंगे। और आज की एक रीत है, आज एक अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो आज हम लोग को ये 20% रिच पीपल में जाना है, जो नॉर्मली मेरे को मालूम है कि 80% आप पुअर एंड 20% आर रिच। उसमें से भी 50% ऑलरेडी दे आर रिच एंड 5% दे आर ट्राइंग टू बिकम रिच। तो इसी तरह से हम लोग अगर रहने का अगर बात करेंगे कि जो 20% जो रहने का जो उनका लाइफस्टाइल है वो एक अच्छा फ्लैट बंगलोज में है और 80% वाले कहाँ रहते हैं आपको तो मालूम है। तो दोस्तों यही मैं ये करूँगा कि आप लोग को सब लोग को शुभेच्छा दूंगा और आपके सिबा की तरफ से आपको अच्छा सक्सेस मिले। और जिन्होंने इस प्रोग्राम 3 दिन का एंट्री करने के लिए जो मेहनत लगाया उसके लिए मेरी और सब लोग आपकी ओर से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। મારું નામ રોહિતભાઈ છે, હું વ્યારાથી આવું છું। આ 3 દિવસનું જે મેં કોર્સ કર્યો મને ઘણું શીખવા મળ્યું છે। ખાસ તો હું પહેલાં શેતલ સર, ચંદ્રા સર, ઉદય સર, વિનોદ સર નો આભાર માનું છું। ખાસ તો શેતલ સરનો હું વધારે આભાર માનું છું કારણ કે જે મને મારા ચર્ચમાંથી નથી શીખવા મળ્યું એ મને એમની પાસે શીખવા મળ્યું કે હું કેવી રીતે આગળ વધું એના માટે વિચાર કરતો હતો।
અને કંપની મળી છે હું એમાંથી મારા સમાજનું તેમજ મારું તેમજ અન્ય લોકોનું ભલું કરી શકું બીજી એક બાબત કહેવા માગું છું કે અમારા બાઇબલમાં લખવામાં આવ્યું છે કે માગો તો તમને મળશે શોધો તો તમને જડશે ને ખખડાવો તો તમારા સારું ઉગાડવામાં આવશે તો મેં માગ્યું છે એના કરતાં હજાર ગણું મને મળ્યું છે મેં શોધ્યું છે તો મને રસ્તો મળ્યો છે એ રસ્તો પણ કેવો વન વે સ્ટ્રીટ પાછળ આવાય જ નહીં બરાબર અને ખખડાયું છે તો સીબા કંપની એણે એનું દ્વાર ઉગાડ્યું છે મારા फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जब मैं पहले दिन यहाँ पे आया था तो मैंने गुड मॉर्निंग कहा था, जब दूसरे दिन मैंने गुड मॉर्निंग फ्रेंड कहा था, और आज मैं कैसा होता गुड मॉर्निंग फैमिली, क्योंकि यहाँ तीन दिन में मैंने एक पूरी फैमिली बना ली है। और सबसे एहसान मानूंगा मैं ऐसा ही हमारे शीतल सर का और चंद्रा सर का और आपका सर के, थैंक यू, आपने हमें बहुत कोऑपरेट किया, बहुत अच्छे से समझाया और लाइफ कैसे जीनी ये हमको तीन दिन में बताया सर। और सीबा के बारे में ये कहना चाहूँगा कि यहाँ के यहाँ पे आके एक टीम बनती है और हमें टीम वर्क के साथ आगे बढ़ना है और सीबा को भी आगे बढ़ाना है। थैंक यू, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, सॉरी, हेलो फैमिली मेंबर्स। जैसे मेरे काबिल मित्र से अभी जो फैमिली मेंबर हो गए उन्होंने जैसे बताया, एक चीज शेयर करना चाहूंगा कि आप सब ने एड देखी होगी, टीवी देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, उसमें एक पंच लाइन है, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, मगर कैसे कोई नहीं जानता, सिर्फ एड देगी, तीन मिनट की, खत्म हो गई, चैनल चेंज हो गया। बट सीबा एक कंपनी है जिसने बताया है कि पढ़ेगा ऐसा तो बढ़ेगा इंडिया। दिमाग से निकाल दिया है, पर इसने सिपा ने उसको अमल में लाया है और सबको उसको फॉलो करने के लिए एक रास्ता दिया हो जो किसी के पास नहीं था। बाकी शीतल सर, चंद्रा सर, जो गाइडेंस आपकी तरफ से मिला है ये 13, 14, 15 जो तीन दिन में जो हम सीखे हैं, मैं ऐसा समझता था कि मैं काफी कुछ ट्रेनिंग ले चुका हूँ, बहुत कुछ सीखा हुआ हूँ, बट फ्रेंकली स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी, इन फ्रंट ऑफ माई वाइफ, आई कैन से कि जो मैं यहाँ पे अभी सीखा हूँ ये तीन दिन में, that was totally different than my all those lessons. Yeah. So really thankful to you. Really, really thankful. और finally एक चीज बोलना चाहूँगा, जैसे सीबा का full form है Sony India Business Academy। कल मैंने बताया था कि सीबा इंडिया को बढ़ाएगा आगे। Wow, wow. और आज मैं बोलना चाहता हूँ कि it is on the individual side, सीबा सभी इंडियंस को बढ़ाएगा, not only India. So this is my final goodbye for today, only for today, from Karthik Mistry. Thank you. नमस्कार दोस्तों, मारा नाम गणपत भाई पटेल, हूँ भरूच थी आऊँ छू, अने खास तो अहीं आया पछी, अहीं आवता पहला तो मन में घणा बधा विचार हता, पण अहीं आया पछी आ सर लोगों की मेहनत जोईने मने एम थयुं छे के मारा जीवा तो केटला विद्यार्थीओ तैयार थई जशे। सरे आपने कंपनी विषे शीख्यो, जीवन विषे शीख्यो, जीवन केवी रीते जीववानो आ बधुं सरे आपने बतायो, पण एनाथी विशेष आजे सवारे चंद्रा साहेबे मने ज्यारे कीधुं के आपणे शरीरने माटे शुं करवुं, आ मने वेरी बेस्ट वेरी मोस्ट इम्पोर्टंट लाग्युं एम, के आ एक कई पैसा कमावानी वात नथी के कई शुं करवा आपणे, एनी वात आपणा शरीरनी वात छे, अने आजे जे तंदुरस्ती लईने साहेब उभा छे मारी सामे ए बी मारी होवी जोईए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, मैं महेंद्र के आचार्य उदयपुर से आया हूँ। तीन दिन का सक्सेसफुली सेमिनार अपन लोगों का हुआ,
तीन जबरदस्त बंदों का साथ अपन तीन दिन रहे जबरदस्त सजल बॉस हमारे सर चंद्रा साहब हमारे यहाँ के हिंदी में बोलूंगा व्यवस्थापक सामने सामने सर देखिए सर इन तीन दिनों में जो भी सर ने हमें बताया उसका थोड़ा सा निचोड़ मैंने निकाला है बैठ कर भी मेरा जहाँ तक मानना है आप सभी लोग उससे 100% सहमत होंगे सिर्फ 5 लाइन आई एम द बेस्ट आई कैन डू इट गॉड इज ऑलवेज विथ मी आई एम ए विनर टुडे इज माई डे गुड मॉर्निंग ऑल नमस्कार गुड मॉर्निंग आज मेरा नाम लता पंचाल है मैं सूरत से बिलोंग करती हूँ यह सिबा में आने से पहले मैंने 7 साल टीचर की जॉब की थी उसके पहले मैंने ज्वेलर्स की दुकान में जॉब की थी ट्यूशन पढ़ाया उसके साथ साथ मैं एक हाउस वाइफ हूँ तो मैंने हाउस वाइफ का भी फर्ज अदा किया है और ये सब करने से करते करते मैं अच्छी भी अच्छी चीज़ की तलाश में थी कि ये सब करने से अभी कुछ मेरा सपना पूरा नहीं हो रहा है तो मुझे अच्छा कुछ मिले इनसे भी अच्छा कुछ मिले तो मुझे सिबा कंपनी मिली सिबा कंपनी में लाने के लिए पहले हमको वेलकम करने के लिए बुलाया गया है तो हिरेन पाठक सर को और दीपक सर ने हमें प्लान दिखाया और शीतल सर ने हमको बहुत अच्छी सी ट्रेनिंग दी विजय सर विनोद सर ने हमको बहुत बढ़िया कंपनी के बारे में प्रेजेंटेशन दिया उस सब के लिए सबको सैल्यूट करती हूँ बहुत सी ट्रेनिंग ली है सब कुछ लिया है लेकिन ऐसी ट्रेनिंग मुझे कहीं भी नहीं मिली मुझे यह ट्रेनिंग से बहुत अच्छा लगा और यह ट्रेनिंग लेने के बाद हम बाहर निकल के घर गाँव और घर घर में सिबा कंपनी के लिए हम सबको एजुकेशन के लिए हम इनवाइट करेंगे और हम सब एक साथ मिल के सिबा कंपनी को आसमान की बुलंदी तक हम ले जाएंगे इसी के साथ एक शायरी बोलना चाहूँगी आसमान के तारे कोई गिन नहीं सकते किस्मत की रोटी कोई छीन नहीं सकते सिबा कंपनी में CMO बनने से हमें कोई रोक नहीं सकता નમસ્તે ફ્રેન્ડ્સ મારું નામ ટેલર દિવ્યા છે હું મળીથી આવી છું અને હું અહીંયા 13, 14 અને 15 સિબાની સોફ્ટ સ્કિલની ટ્રેનિંગ લેવા માટે આવી છું તો અહીંયા આગળ અમે જીવનમાં જાણતા તો હતા પણ એને કેવી રીતે આપણે જીવવું તે અમને ખબર નહીં હતી તે અહીંયા આવીને અમે શીખ્યા છે પહેલાં અમે એક તમને કહેવા માંગુ છું કે જો બીત ગઈ સો બીત ગઈ તકદીર કા શિકવા કોણ કરે जो तीर कमान से निकल गया उस तीर का पीछा कौन करे क्यों करे और कब तक करे इसलिए जो हम समय छोड़ पीछे छोड़ के आए हैं उसे उस पर हमें ध्यान नहीं देना हमने ये 3 दिन में जो सीखा है उसको ध्यान में लेके हम आगे बढ़ सकते हैं कोई भी काम ऐसा छोटा से बड़ा कोई भी काम हम कर सकते हैं इसलिए हमने ये 3 दिन में ये हमारे सर है सब उनके पर सब कुछ बहुत सारा सीखा है वो जीवन में हम लेकर आगे बढ़ेंगे तो हमारा जीवन जरूर सफल होगा और क्यों नहीं होगा।